लास्ट देखो तो आप लोगों को पता ही है कि मैं अपना एक नेबर को मदद करती हूँ, एक ड्रगिस्ट नेबर को, जिसके साथ मैं जाती हूँ एक ट्रक के पास जहाँ पे मुझे उस ट्रैक को लेके जाना था एक टूटी फूटी से एक गाड़ी को लेने के लिए। और उसके बाद लैमर आता है उसके डॉग चॉप के साथ। तो उधर पे पहुंचती है, हम देखते हैं कि वो डी बोल के लड़का कोई लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। जैसे ही लैमर उसके तरफ गन को निकाल के उसे बोलता है कि तू हमारे साथ चल, वैसे ही वो अपना बाइक को बहुत ही ज्यादा स्पीड से हम लोगों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करके भाग जाता है। तो अभी हम दोनों उसके पीछे जा रहे हैं, उसको पकड़ पाते या फिर नहीं वो तो नहीं पता, बट जाना तो पड़े। तो चलते पहले और देखते क्या हम दोनों पकड़ पाते हैं उसको या फिर नहीं। तो उससे पहले बोले गेमर, कैसे हो आप सभी लोग? मैं अरिका आज दोबारा से एक बार फिर से कह रही हूँ GTA 5। तो अभी हम तो निकल पड़े हैं उसके पीछे, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ ये खटारा सा वैन को लेके, और वो बंदा आई मीन जी चला रहा है बेटी 801 बाइक को। उसका स्पीड बहुत ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा है। तो मैं उसको कंटिन्यूअसली चेस करती रह रही हूँ, बट पता नहीं वो तो इधर पे, इसने इधर पे एक टर्न ले लिया, बट मैं इधर पे ठोकर खा जा रही, कुछ कर नहीं सकती, मैं कोशिश किए जा रही हूँ, ठीक है ना। बट इधर पे मुझे पता नहीं क्योंकि ये वैन का स्पीड बहुत ही ज्यादा बेकार है। मैं कोशिश तो किए जा रही हूँ, आई विश कि मैं उसे पकड़ पाऊँ, बट पता नहीं वो बहुत सामने निकल गया है। अभी मैं कंटिन्यू कोशिश किए, काफी खाली है तो इसके कारण मुझे थोड़ा सा तो मदद मिल जा रही है। बाकी वो बंदा बहुत ज्यादा स्पीड से, बाइक का स्पीड बहुत, मतलब बहुत ज्यादा होती है वैन के मुकाबले। तो मैं तो कोशिश किए जा रही हूँ, अभी सामने मुझे पता नहीं भाई कहाँ से लेके जा रही है। तो इधर से आई थिंक के लेफ्ट पे आ रही, भाई साहब हट जा, रेस्टोरेंट का वेटर वगैरह हो तो रेस्टोरेंट में घुसो ना। तो ये आई थिंक कोई एक रेस्टोरेंट वाला कोई एक वे है। ओ शिट यार, सामने ये पास से धक्का खा गया, लैमर मुझे धक्का मारा यार, खुद में साहस नहीं है क्या खुद निकलना। तो फटाफट से मैं इधर पे निकल जाती हूँ, चौप को बोलती हूँ फटाफट से उसको ढूंढ, तो उसके पीछे दौड़ने के लिए लगा देती हूँ। और इधर पे बस से उसका खतरनाक वाला एक्सीडेंट, उसके बाइक से धुआं निकल। तो अभी चौप तो उसके पीछे दौड़ लगा चुका है और मैं भी दौड़ लगा रही हूँ। अभी ये एक बस डिपो है, ठीक है ना। तो इधर पे बहुत सारा बस दिख रही है मुझे, और मुझे समझ में नहीं आ रही है, सामने बहुत सारी चीजें तो है, बाकी सामने ये कहाँ गया मुझे दिख नहीं रहा है। मतलब इधर पे देखो बहुत सारी टूटी फूटी बस है, तो समझ में आ ही जा रहा है कि ये बहुत ही बड़ा एक बस डिपो है, बट इधर से कहाँ चला गया है वो तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। वो देखो चौप जा रहा है, तो उधर पे शायद उधर पे ही सामने की तरफ आई थिंक डी भागा है, ठीक है ना। तो इधर पे फटाफट से चौप के पीछे मैं भी जाती हूँ। अब भी चौप क्या कर रहा है भाई, ओ भाई साहब इधर से आई थिंक ये सामने की तरफ गया है, बट कहाँ गया मुझे समझ में नहीं आ रही यार। इधर पे देखो एक रेल यार्ड पे हम दोनों घुस चुके हैं, और सामने आई थिंक दिख तो नहीं रही है मुझे भाई साहब लग गई मेरे को बहुत ही खतरनाक वाला। और इधर पे ये भाग रहा है भाई साहब, ये रनिंग एक, ओ शिट यार, रनिंग ट्रेन पे चढ़ के निकल गया। नहीं 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 ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ट्रेन तो इधर रुक चुकी है, तो आई थिंक ये बंदा इधर ही कहीं पे छुपा है। तो अभी ये देखो इसी पे इसने चढ़ा था, बट उसका लक खराब है कि ये ट्रेन इधर पे रुक जाती है, तो इसके कारण वो इधर पे फंस चुका है, ये तो समझ में आ रही है। बाकी मैं और चौप तो इधर पे ढूंढ रही हूँ। अभी इधर पे बहुत सारे बॉक्स कार है, आई थिंक यही कहीं पे कोई बॉक्स कार के अंदर आई थिंक वो घुस के छुपा है। तो ये वाला तो खोल लिया, अभी घुस के देखती में इसके अंदर शायद वो बंदा मुझे मिल जाए, नहीं मिला। तो अभी चलो इसके अंदर तो नहीं है, अभी सामने और भी बॉक्स कार है इधर पे, पता नहीं आई विश कि इधर पे मिल जाए, क्योंकि चौप भी इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पे कहीं पे होगा, तो आई थिंक इधर पे कहीं आसपास ही होगा, ठीक है ना। बट इधर पे भी नहीं है, तो चलो इधर पे भी नहीं है, बाकी गया किधर, इधर से अगर जाता तो मुझे तो दिख जाती, बट इधर से नहीं गया। तो अभी चौप बहुत मेहनत कर रहा है और इस वाले बॉक्स कार के सामने आके बहुत ज्यादा चिल्लाता है, तो मुझे एकदम, मतलब मुझे लग रही है कि यही पे आई विश की है, बट वो बहुत ही खतरनाक वाला क्रिमिनल भी निकल सकती है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे ही मैं उसे खोलती हूँ, भाई जाडी इधर पे ये बेवकूफ बंदा, इधर से उसको जाने का मौका मिला था, बट ये बेवकूफ इधर ही बैठा था, कितना बड़ा बेवकूफ और गधा है देखो। तो चौप उसके पीछे मतलब खतरनाक वाला लग गया है, बट मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो इसको काट के खा ही जाएगा।
लगा तो मैं फटाफट से इधर पे आ जाती और आग के चौक को रोक लेती हूँ। बाकी इसको तो काट ही दिया उसने। और इधर पे लैमर भी आ जाता है वैन को लेके। मैंने इधर पे इसको पकड़ लिया, ये बहुत ज्यादा घायल भी हो चुका है क्योंकि चौक ने इसे बुरी तरीके से काट दिया है। अभी मुझे इसको इस वैन पे लेके हम दोनों को निकल जाना पड़ेगा। बट बाकी लैमर अपना मुंह को क्यों छुपा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रही है। बाकी चौक को मैं बुलाती हूँ कि फटाफट इधर पे चढ़ जा, इसको गाइड करना। तो मैं इधर पे इन दोनों को अटक दे रही हूँ पीछे की तरफ। और फटाफट इधर पे एक बस डिपो है प्लस रेल एरिया, तो काफी सारा पुलिस वगैरह या फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो इधर से निकल जाना ही हम लोगों के लिए सही रहेगी। तो हम तीनों हम चारों इधर से फटाफट से निकल जाते हैं। और पीछे ये बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसके साथ हम लोगों ने रख दिया था चॉप को, जो कि बहुत ही खतरनाक एक डॉग। अभी जाने के टाइम मुझे ग्लैमर का कन्वर्सेशन सुनाई दिया। ग्लैमर किसी के पास से $40,000 मांग रहा है। स्टी को किडनैप किया हम लोगों ने, तो इस कारण ग्लैमर किसी से $40,000 मांग, ये बात तो समझ में आ रही है मुझे। बट वो अपना फोन से कॉल कर रहा है। तो मैं ग्लैमर को पूछती हूँ कि तुम किससे बात कर रहे हो, किससे पैसे मांग रहे हो। तो वो मुझे बताता है कि बैलेंस बोल के एक आदमी है, उससे मैं पैसा मांग रहा हूँ। ये इसका ही जान पहचान है, क्या रिलेटिव है, तो उससे मैं $40,000 को मांग रही हूँ। तो मैं हो जाती हूँ बहुत ज्यादा गुस्सा। मैं बोलती हूँ कि बैंड को इधर पे रोक दे और इसको निकाल दे, क्योंकि तुम सेल फोन से बेवकूफ, तुम सेल फोन से बात कर रहे हो। तो मैं उसका सेल फोन को बाहर फेंक देती हूँ और मैं बोलती हूँ जी को इधर से निकल जाने के लिए और इधर से तुरंत भाग जाने के लिए। और डी भी हम लोगों को बहुत ज्यादा धमकी देता रहता है कि तुम लोगों को हम छोड़ेगा नहीं, ये वो बोलता रहता है। बाकी मैंने बोला कि तुम इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हो, तुम सेल फोन से बात कर रहे हो तो हम लोग तो ट्रैक हो जाएंगे बहुत आसान तरीके से, वो लोग हमको ट्रैक कर लेंगे, फिर हम लोग पकड़े जाएंगे। कैसे बेवकूफ इंसान हो यार तुम। तो मैंने उसको बहुत ज्यादा ये बोला, बट पता नहीं ये गधा कब सुधरेगा। पहले तो इसने बाइक को चुराया, फिर जाके पता नहीं ये क्या दुश्मनी पालना चाह रहे हैं। इसमें रिक्रिएशनल सेंटर बोल के कोई एक जगह है जहाँ के पास ही हम छोड़ देते, उधर से उसका घर भी थोड़ा सा पास है। तो मैंने उसको इधर ही छोड़ दिया, ठीक है ना। और बोलता हूँ कि चौक को ले और इधर से निकल तू, ठीक है ना। बाकी गुस्सा दिखा रहा था तो मैंने भी बोल दिया बेवकूफ निकल तू इधर से, ठीक है ना। मतलब मैंने जिंदगी में बेवकूफ देखा बट इसके ज्यादा बेवकूफ नहीं देखा। उसके बाद मैं आ जाती हूँ एक बार में, आप लोगों को देख के समझ में आ ही गया होगा कि हम कहाँ आए थे। तो ये एक लाइव शो, मतलब मैं और कुछ नहीं समझाने वाली हूँ। आप लोग समझदार हो, आप लोगों को इशाराएं काफी होती है, मैं लड़कों को कैसे समझाऊ। तभी मैं इधर से अपना गाड़ी को लेके निकलती हूँ क्योंकि ये पागल के साथ सारे दिन घूम के मतलब पता नहीं क्या क्या फालतू सा काम में मुझे फंसाता रहता है। मुझे अगर बताता पहले से तो मैं कभी नहीं जाती, ऐसे गलती मैंने कभी नहीं करती। तो अभी मैं इधर से निकल रही हूँ और घर पे जाना है मुझे। और जैसे ही जाती हूँ सामने सुनती हूँ रोड में चिल्ला मिली हो रही है और ये बंदा पता नहीं किसी का कुछ चुरा के भाग रहा था। तो मैं इसके पीछे इसको देती हूँ एक धक्का, बट ये गिर तो जाता है। रुको एक सेकंड, इसको निकाल के मैं देखती हूँ, बट ये भाग जाता है भाई साहब। तो मैं सोचती हूँ इसके पीछे मैं दौड़ नहीं सकती हूँ, इतना मेरे अंदर जान नहीं बचा है। फिर से मैं अपने गाड़ी को निकलती हूँ और सोचती हूँ कि मदद कर ही देते, लोगों का मदद करना अच्छी बात है। तो चलो दीदी यार हटो यार इधर पे, मतलब सॉरी मैं ही पेवमेंट से हाथ चला रही थी यार, मेरी ही गलती है। तो इधर पे उसको मारने के चक्कर में मैं एक भले आदमी को भी धक्का लगा देती हूँ और वो बेचारा पता नहीं क्या सोच के भाग रहा था। बाकी इसको देखो, ये दो बार धक्का खाने के बाद भी भाग रहा है। रुको एक सेकंड, इसको मारने की मैं कोशिश करती हूँ। तो इधर पे मैं गन तो चला देती हूँ बट ये ओ भाई साहब ये मतलब क्या है भाई, गोली खाने के बाद भी कौन दौड़ पाता है, मेरे से तो नहीं आता ना यार। मेरे को इतना गुस्सा आ रही है कि क्या ही बताओ। मैं गाड़ी के ऊपर निकले, सबके पीछे मुझे नहीं जाना है, हटाते हैं और घर चलते। वैसे ही ये सब के चक्कर में मेरा आज बहुत टाइम खराब हो गया। मिडिल में मेरे को लैमर कॉल करता था तो मैं उठाती नहीं थी, तो उसके लिए उसने मुझे एक मैसेज किया कि चॉप को उसने मेरे घर पे छोड़ के रख के गया है। तो मैं तो एक तरफ से काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे चॉप काफी ज्यादा पसंद है। तो मैं लैमर को कॉल करके धन्यवाद बोलना चाह रही थी बट लैमर उठाता नहीं है। तो छोड़ो भाई हटाते, अभी घर में जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे मिलना है चॉप से। तो चॉप से मिलना है तो मैं बहुत खुश हूँ। तो फटाफट से मैं इधर पे आ जाती हूँ, गाड़ी को इधर पे सेट करके रख देती हूँ, फिर मैं निकल के चॉप से मिलूंगी क्योंकि रोज आके वो बूढ़ी आंटी का मुंह देखने से तो अच्छा है चॉप के साथ थोड़ा मजे करूँ। बट चॉप कहाँ है मुझे नहीं पता, तो घर पे चलते जाने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि थोड़ा बहुत हल्का हल्का टाइप्स का माफिया बन चुकी हूँ। जो भी हो अभी मैं माफिया नहीं बोल सकती हूँ, नॉर्मली मतलब क्या ही बोले। तभी घर पे आ जाती हूँ और देखते चॉप किधर है भाई साहब। जैसे ही मैं इस रूम पे
अरे आंटी, मतलब क्या करते रहते क्या हो? तुम उम्र में घट नहीं जाओगे? 17 साल की लड़की नहीं, बच्ची लड़की नहीं बन पाओगे यार। इतना ज्यादा मेहनत मत किया करो। मैं तो क्या ही बोले, जब भी देखती हूँ या तो फेस पैक लगा के बैठी हुई है, या तो जॉगिंग कर रही है, या तो कुछ ना कुछ योगा वगैरह कुछ ना कुछ करती रहती है। बाकी जॉब मुझे फाइनली मिल चुकी। ओ माई गॉड यार, कैसे हो कैसे हो? ओ भाई सर, ये भी मुझे देख के बहुत खुश हो रहा है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बाकी इसने पोटी क्यों कर दिया यार? गंदा बच्चा हो गया यार तू तो। तो अभी ये बेचारा बैठा हुआ है और मैं जाती हूँ, बहुत टायर्ड फील हो रही है, तो मैं रूम पे आ जाती हूँ। और आने के बाद मैं अभी सोने वाली हूँ, लिटरली मुझे कुछ नहीं करना है, खाना पीना खा के मैं अभी डायरेक्ट सो गई हूँ। और आज फिर मैं चलती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड पे, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं पता, अभी तक साइमन का कुछ कॉल नहीं आया, अभी तक साइमन के पास मैं गया भी नहीं। उस बाइक के बारे में अभी भी उसको क्या पता है क्या नहीं, वो सारी चीजों के बारे में पता नहीं। बाकी इस आंटी को देखो, सुबह उठ के भी मैं देख रही हूँ अभी भी, क्या ही बताए। तो छोड़ो, चलते हैं, ये तो खाना वाना पकाएगी नहीं मुझे पता है। तो अभी चलते हैं और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड पे। क्या पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा बाइक के बारे में जानने के बाद। उस सारी चीजों को लेके मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड पे। तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।